पेशावर के एक मस्जिद में आज बम ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से 60 से ज्यादा लोगों के मरने की खबर निकलकर सामने आ रही है, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस समय घायल है, अस्पताल में है और उन्हें देखने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अस्पताल भी पहुंचे हैं और जायजा भी ले रहे हैं। लोगों का हालचाल पूछते हुए जो भी सुविधा हो सकती है वो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। लेकिन इसके इतर पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने ट्विटर पर इस घटना पर अपना निराशा उन्होंने व्यक्त किया, खेद जताया है और मरने वाले लोगों को उन्होंने कहा है कि भगवान इस मुश्किल वक्त में इन्हें और इनकी फैमिली को हिम्मत दे। शोएब मलिक ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि आई स्ट्रॉन्गली कंडेम दिस ब्लास्ट इन पेशावर मोस्क, मतलब मस्जिद में, सेंडिंग मेनी प्रेयर्स टू द फैमिलीज एंड एवरीवन अफेक्टेड देयर, वी शुड स्टे टुगेदर इन दिस टफ टाइम्स। इन्होंने कहा कि इस घटना की मैं सीधे तरीके से निंदा करता हूँ, साथ ही मैं उन फैमिली के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आज अपने को खोया, अपने लोगों को खोया है, साथ ही इस मुश्किल टाइम में हमें उनका साथ देना चाहिए। मोहम्मद आमिर ने शोएब मलिक के इस ट्वीट को जो है उन्होंने रीट्वीट किया है। मोहम्मद आमिर ने कोई ट्वीट नहीं किया, बस शोएब मलिक के इस ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया। इसके अलावा आज दिन भर जो है मोहम्मद आमिर ने अपने BPL गेंदबाजी की जो है उन्होंने पोस्ट ही शेयर किया है, कुछ ट्वीट नहीं किया पेशावर अटैक पर। आप इसे समझ सकते हैं कि मोहम्मद आमिर के पास इस घटना पर खेद जताने के लिए, निंदा करने के लिए उनके पास कोई ट्वीट मौजूद नहीं था, बल्कि वो BPL में अपनी गेंदबाजी को जो है वो प्रदर्शन, अपनी गेंदबाजी प्रदर्शन का जो है वो पूरी तरीके से खुलेआम बता रहे थे कि मैं फॉर्म में लौट आया हूं और अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूं। ये नीची हरकत मोहम्मद आमिर ही कर सकते हैं और किसी और से जो है आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। खैर, एक ट्वीट करने में भी इन्हें शर्म आ रही थी, बस रीट्वीट कर दिया शोएब मलिक के ट्वीट को। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।